स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये वीडियो पूरे जम्मू के लोगों के लिए है। जरूरी नहीं कि आपके घर में चोरी हो, जरूरी नहीं है कि चोर रात को आए, ये भी जरूरी नहीं है कि वो हथियार लेकर आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपके आके घर में घुसकर आपसे जबरदस्ती करें। और भी तरीके निकाल लिए हैं लूटने के। एक ऐसा वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 70 साल के बलवीर सिंह रोजाना की तरह जब अपने घर से दूध लेने के लिए स्कूटी पर जम्मू में शास्त्री नगर संजय नगर में पहलवान दी दुकान पर दूध लेने जाते हैं, वहां उनके हाथ में जो गोल्ड की रिंग्स थी वो लूट ली, दो गोल्ड की रिंग लूट ली। हैरान कर देने वाला मामला है ये। पहले सबसे पहले आप ये फुटेज देखिए, ये वीडियो, ये फोटोग्राफ देखिए। ये फोटोग्राफ उन्हीं लोगों के हैं। ये दो लोग हैं, इसके अलावा दो और, पूरा गैंग है ये। इन लोगों ने पहले आकर 70 साल के बलवीर सिंह को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, उनके हाथ से अंगूठियां उतरवा ली और उन्होंने उतार भी दी। उसके बाद उनको धोखा देने की कोशिश की कि ये अंगूठियां हमने आपकी स्कूटी के डिक्की में डाल दी हैं, एक कपड़े में लपेटकर ये 2 से 4 हो जाएंगी या 5 हो जाएंगी। लेकिन बलबीर सिंह तब तक उस नशे से, उस हिप्नोटाइज से जो उन्होंने उन पर एक जादू किया था, वो क्या था पता नहीं, उससे बाहर आ गए। उनको समझ आ गई कि मुझे लूटा जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दो लोग और आ गए वहां पर, वो भी स्कूटी पे थे, और धक्का मुक्की कर इनसे वो रिंग लेकर भाग गए। ये पूरी कहानी है। विस्तार से कहानी कैसे हुई ये 70 साल के बलबीर सिंह, मैं उन्हीं से जानता हूं। पाजी पूरी बात बताएं, होया कैसी, किस तरह होया, पूरी गल दसो। देखो जी, मैं दूए दिन पहलवान की फैक्ट्री दुध लैन जाना है जी। एक रस्ते च मैनू इन्हां ने घेर लिया, ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜੀ ਹੈ ਬੋ ਆ ਲਟਰ ਪਟ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀਆਂ? ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਲਵਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿਖਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਢਾਂ ਜੋਰਨਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੰਢਾਂ ਜੋਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਓ ਅਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਬਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੰਢਾ ਖੋਲਣ ਡਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ।
ये आप जो फोटोग्राफ है एक बार फिर देखिए, हो सकता है कि अगला ये हादसा आपके साथ हो, तो इन लोगों का आपको पहचान करना बहुत जरूरी है। ये आप मोटरसाइकिल पे देख रहे हो और ढूंढ के पुलिस में दो, ध्यान से देखो ये। मैं बलबीर जी से और भी बात करता हूँ, उसके बाद क्या किया जब आप उनके पीछे गए, फिर क्या हुआ? बस मेरे पास स्कूटी थी, उनके पास नया मोटरसाइकिल था, एक के पास दूसरा था। वो बाबा लूट के ना, उसने इशारा किया, उसको सामने खड़ा था, उसने इशारा किया, वो आ गया आगे, उसके पीछे बैठ के वो भाग गया। मैं गुठली देखी, मैं है कि ये मैं देखा, मैं क्या मैनू कोई वो हो जा कम लगता, और मैं की किता, मैं फटाफट स्कूटरी उदा मगर जड़ाई है, लेकिन बेच मोड़ पैंदा ही, और मोड़ बेच ये नहीं पता राइट गए या लेफ्ट गए या सीधे गए, वो नहीं पता लगा, नस गए। मैं फिर आया, दुध लिया उतो भलवान को, घर आके इन्होंने गल दी, मुंडिया ने गल की, फिर वो फुटेज कटाए ही सब कुछ, जो कढ़ा कढ़ू के सब थाने गया, मैं उत्थे रिपोर्ट दे के आया, सवेरे भी दिती, हुण फिर ये डिगाने थाने चौकी। अच्छा। उत्थे मैं रिपोर्ट दे के आया सवेरे भी, सवेरे रिपोर्ट लिखाया ही, हुण मैं एप्लीकेशन दे आया उन्होंने, नाल फोटो भी दस आया, वो कहिंदे कोई गल नहीं तुहानू असीं बुला लांगे, जे ओही गल होएगी लभणगे ते असीं तुहानू बुला लांगे, हुण तुसीं जाओ। बस ये गल हुई। नुकसान हो गया बड़ा? नुकसान तो है ही, लाख डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हो गया। मैं कोशिश करता हूं अगर ये फुटेज में दिखा सकूं, क्योंकि मोटरसाइकिल का एक फुटेज भी हमारे पास है। हुआ क्या था, जब इन्होंने स्कूटी पे ये सिंह साहब जा रहे थे, उन्होंने देख लिया इनके हाथ में अंगूठियां हैं, वो फुटेज है हमारे पास, उन्होंने मोटरसाइकिल इनके पीछे लगा लिया। वो फुटेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस तरह के हादसे आपके साथ होंगे, हो सकते नहीं है इस तरह। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये हैं ये सिंह साहब, बलबीर सिंह जी, अभी देखे जो अभी गए हैं ये। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको वो तस्वीरें दिखाने की, और ये लोग जो आए हैं ये मोटरसाइकिल घुमा लिया, इन्होंने बलबीर सिंह जी के हाथ में अंगूठियां देख ली, उनको लगा बुजुर्ग है तो इसके कुछ फायदा हो जाएगा। ये पीछे एक और मोटरसाइकिल घूमेगा, ये भी उनके साथी हैं, ये भी वापिस गए बलबीर सिंह के पीछे, ताकि उनको चकमा दिया जाए, उनको बातों में लगाया जाए, उनको बड़े ख्वाब दिखाए जाएं, बड़े सपने दिखाए जाएं। और इस तरह से लोग जो हैं ये आ जाते होंगे, ये इस जांच में आ जाते हैं, शायद बलबीर सिंह की जगह मैं होता मैं भी आ जाता, लेकिन वक्त रहते नहीं कह सकते कि बलबीर जी को पता चल गया, वो चले गए थे उस वक्त। पाजी तुहानू लगता नहीं है कि तुसी क्यों उन्हें पर यकीन किया, कारण की सी यकीन करन दा? कारण ये गल जी कि मैनू कह लगा बड़ा पहुंचा बाबा, ये मैनू लखपति कर दिता इन्हें, ये है वो है, तू नवी लखपति। अच्छा, उन्हें नाल एग्जाम्पल भी दी कि ये एग्जाम्पल भी है, तां जी यकीन कर लिया। जेडे ओदे नाल बंदे ही दो, ते एक परे खलोता रही ते बाबा कोल बात करे, वाहेगुरु करी जाए, ते मैनू कहे, मैं क्या होता था बा, मेरे को गुठियां लईयां मेरे सामने उन्हें बिच पाईया ने लिफाफे, लेकिन ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸਕੂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਏ ਲਿਫਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੰਡਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੰਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਨੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ 420 ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਨੱਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਾਈਟ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ
ये थी सारी कहानी। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि जम्मू में अब आपके घर में चोरी हो, आप इस तरह से लूटे जाएं। जरूरी नहीं है कि औजार के वेपन की नोक पे आपको लूटा जाए। जरूरी नहीं है कि लूटने के लिए रात का इंतजार किया जाए। आपको दिन दिहाड़े इस तरह से भी लूटा जा रहा है। और मुझे लगता है कि पुलिस को ये फुटेज, शायद उनके पास होगी ये फुटेज, ये फोटोग्राफ उनको डिस्प्ले करने चाहिए ताकि ये किसी और को धोखा ना दे सकें। और ये आपके और मेरे साथ हो सकता है जो बलबीर सिंह के साथ हुआ। इसलिए सतर्क रहिए, होशियार रहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।